जनपद मैनपुरी के करहल मैनपुरी मार्ग पर ग्राम अंडनी के पास तेज रफ्तार डीसीएम ने ओवरटेक करते समय सीमेंट की बोरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर मार दी, जिससे ट्रैक्टर ट्रॉली का संतुलन बिगड़ने पर डिवाइडर से जा टकराया और ट्रैक्टर ट्रॉली भी सड़क पर पलट गई। हादसे में ट्रैक्टर के परखच्चे उड़ गए। ट्रैक्टर का अगला पिछला पहिया टूट दूर दराज जा गिरा। ट्रैक्टर सवार एक लोग की घटनास्थल पर ही ट्रॉली से दबकर घटनास्थल पर ही मौत हो गई। तेज धमाके की आवाज सुनकर बचाव को आसपास के ग्रामीण दौड़ पड़े, लेकिन तब तक डीसीएम चालक अपना वाहन लेकर मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी निरीक्षक कुशल पाल सिंह अपने तमाम पुलिस बल के साथ तत्काल मौके पर पहुंचे, जहां ट्रॉली के बीच शव को बाहर निकालकर बीच रास्ते में पड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली को जेसीबी मशीन की मदद से हटवाया गया। बीच सड़क पर हुए हादसे के चलते वाहनों की घटनास्थल पर लंबी कतार लग गई, लेकिन करहल थाना पुलिस ने तत्काल जेसीबी से क्षतिग्रस्त ट्रैक्टर ट्रॉली को हटवाकर मार्ग का आवागमन सुचारू रूप से शुरू करवाया। हादसे को लेकर प्रत्यक्षदर्शी ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। नाम राहुल। अच्छा, ये एक एक्सीडेंट हुआ है अंडनी पे, आप यहाँ पर प्रत्यक्षदर्शी थे, क्या देखा आपने? हमने ये देखा है कि ट्रैक्टर निकल रहा था और उधर से डीसीएम आ रही थी, डीसीएम वाला कट मार गया, इस वजह से उसका टायर निकल गया, फिर ट्रैक्टर वाला वो उधर भाग गया, वो डंपर फट गया ट्रॉला। उसमें क्या कोई किसी की मौत हुई हो? एक आदमी की मौत हुई।